दो मटके थे सो एक मटका हमारा था बच्चों वाला और एक सर वाला। सो बच्चों वाला मटका ख़त्म हो गया था पानी मतलब, और जो सर वाला था उसमें आधा आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी है हमें पानी पी लेने दो। सो कह रही ठीक है पी लो जग में लेकर। सो फिर वो गए सो हम लेकर हमने दो तीन लड़कियों ने पी लिया। फिर सर ने बुलाया कह रही है तुमने मटके से पानी क्यों पिया। हमने कि हमने प्यास लगी थी। सो कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा। मैंने कि हमने मैम से पूछ लिया था। सो कह रहे कुछ नहीं। फिर कह रहे तुमने क्यों पिया तुम बाहर से भी तो पी के आ सकती थी। तो मैंने कही एक ही मिनट रह गया था छुट्टी होने के लिए इसलिए हम पीने इधर से पी लिया। कहते तुमने क्यों पिया। फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया। सो कह फिर दो तीन छापड़े मारी थी बस। क्यों मारा तहसील आए हम इस वजह से कि हमारी बच्ची पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी तो घड़े में पानी पीने के लिए घड़े रखे हैं तो उसमें से पानी लिया तो कल्याण सिंह अध्यापक है जो उसने दो तीन हाथ मार दिए हैं। और हम अभी विवाद उसे पूछने गए कि किस कारण मारा है तो दूसरे गांव का मुन्नी लाल का यादव का लड़का है जो सुगर सिंह यादव उसने हमारे साथ हाथापाई की है। ये हो गया हमारे यहाँ स्कूल खुला है जो प्राइमरी विद्यालय है इसमें तो सारे टीचर गांव के हैं उनने पैसे देकर ट्रांसफर करवा लिया। इस वजह से होता है कि जो झाड़ू कर्मचारी है उनको नहीं बच्चों घर जन जाती को झाड़ू लगाई जाती है वो खाना को दो क्वालिटी का दिया जाता है। दूसरे जो घरों में पानी पी लिया तो इसलिए हमारे घर का पानी क्यों पी लिया आपने यहाँ से आप चमार जाते हो तो कह रहे तो हमने कहते क्यों ऐसा किया तो दो बच्ची रोती है चल गाल सूजा। हमने कहा हमने चल लोग लो गए मास्टर कह ऐसा क्यों किया। बोले गलती क्यों तुम इसी लायक हो चमार हो तुमने घड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे उसको गए तो उसके पास मास्टर के टीचर के पास दमंग आदमी दो लोग आए वो कहने लगे साले चमार ऐसी सुनो दौड़ के उन्हें कालर पकड़ी कहने लगे साले चमार तुम लोग जाओगे तो चार महीने फांसी हो जाए हमारी। हम एक हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिकाहरा है यहाँ की एक शिकायत संज्ञान में आई है उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर हमारे एआरपी और इंस्पेक्टर साहब और हम लोग जांच के लिए आए हैं। दोनों पक्षों का बयान लिया जा रहा है जो भी अगर इसमें किसी भी प्रकार का जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर होगा और संबंधित के विरुद्ध ऐसी जाँच में शिकायत पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।